हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मधिया और मेरे चैनल का नाम है स्टेविद मधिया। तो आज मैं आज रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ थंबनेल से पता चल ही गया होगा क्या आज मैं किस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वायरल कोरियन सीरम जिसका नाम है एम्प्यूल और जिसका नाम है मेडागास्कर सेंटेला एम्प्यूल मेड विथ प्योर सेंटेला फ्रॉम मेडागास्कर। 55 ml का जो है ये पैकेजिंग है। पहले पैकेजिंग इसकी आप बैक कैमरा से देख लीजिए और फिर मिलूंगी शॉट के बाद। Finally got my hands on this viral serum. देखिए इसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी है, बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए ये एक बेस्ट एंटी एजिंग के लिए भी है। उसके अलावा जो सेंटेला जो होता है ना, वो एक प्लांट है, एक फ्लावर है। वो उसके ये जो है प्योर सेंटेला के साथ ये बना हुआ है। आप कलर वगैरह इसका देख लीजिए। उसके अलावा उसको लगाने के बाद एकदम फेस पर सूदिंग सा जो एहसास आपको होता है। और क्या ये डार्क स्पॉट्स में काम करता है, तो डेफिनेटली डार्क स्पॉट्स में भी वर्क करता है। ब्राइटनिंग के लिए काम करता है, तो जी हाँ, इसके यूज़ के बाद आपको ब्राइटनिंग और ग्लोइंग तो बहुत ही प्यारी नज़र आने वाली है। और इसके जो देखिए मैंने कितना सा यूज़ किया है, और ये जो कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सच में वर्थ बाइंग होते हैं ये। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं शुरू से कहती हूँ कि अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करो, ना कि मेकअप पे। महंगी महंगी फाउंडेशंस आप ले रहे हो अपने डार्क धब्बे छुपाने के लिए, स्कार्स छुपाने के लिए, पिगमेंटेशन छुपाने के लिए, फुल फाउंडेशन, HD फाउंडेशन, इसकी तलाश में अक्सर मैंने लड़कियों को देखा है, खवातीन को देखा, वो घूम रही होती हैं। तो मेरा शुरू से आपको कहना यही है कि अपने स्किन केयर के ऊपर वर्क करो, ताकि आपको किसी भी मेकअप की नीड ही न रहे। या कि अच्छा नहीं लगता, खुद सोचो आपको अचानक कहीं जाना है, ठीक है, और बस एकदम प्लान बन गया भाई चलना है, फटाफट से चलना है, तो आप कितने टेंशन में आ जाते हो। जिसके जिनके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है वो कहते हैं नहीं भाई मुझे तो अभी टाइम लगेगा, मुझे अपनी सारे फेस को इतना तो करना है कि मैं प्रेजेंटेबल लगूं, कि मैं सही लगूं, मेरे दाग धब्बे जो है वो छुप जाए, तो वो मेकअप करती ही करती हैं। अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, स्किन के ऊपर वर्क करते हो, तो किसी चीज़ की नीड नहीं आपको रहती है। कहीं भी जाना है फूटे फटाफट, यहाँ तक कि सच बात बता रही हूँ, मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं अक्सर ऐसा होता है कि अर्जेंटली बस कहीं जाना होता है ऐसा कि बस खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हस्बैंड कभी कभार ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं, बस खड़ी हो जाओ और बस मैं जा रहा हूँ, तुम फिर मेरे पीछे या साथ ही चलो पार्किंग एरिया में, ऐसा भी होता है। तो माशाल्लाह स्किन, अब मैं अपनी तारीफ़ क्या करूं, लेकिन सच में बगैर मुंह धोए भी मैं निकल जाती हूं, अपना सिर्फ अबाया पहना, स्कार्फ मैंने अपना बांधा और मैं निकल गई, तो फेस पर जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्लो नज़र आता है, ब्राइटनिंग नज़र आती है कि फील ही नहीं होता है कि हमने कुछ लगाया है फेस पर। ऐसा लगता है कि जैसे कि ना फील होता है कुछ लगाया, ऐसा फील होता है कि हमने कुछ अच्छा सा फेस पर बीबी क्रीम या सीसी क्रीम या टेंटेड कुछ लगाया हुआ है फेस पर। तो जब हम स्किन केयर पर वर्क करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ऐसी हो जाती है, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, ग्लो, ये परमानेंट आपके स्किन में से निकलता है अंदर से। तो किसी भी चीज़ की आपको नीड नहीं रहती, ना फाउंडेशन, ना बीबी क्रीम, ना किसी मेकअप की। और अगर आप इसी को चेहरे को अच्छा और करना चाहो, तो आप जो मैं अपना रेगुलर में या कोई भी छोटे मोटे ओकेजन पर करती हूँ, तो मेरे साथ एक टिंट बैग में लाजमी होता है, कि जैसे कि मैं भी आपको बताया कि निकल गई तो गाड़ी में जाके मैंने सिर्फ अपने जो स्वेटिंग आ रही है उसको ब्लोटिंग पेपर से स्वेट को जो है वो एब्जॉर्ब किया, या अपने टिश्यू पेपर से सारे स्वेट को मैंने अपना एब्जॉर्ब किया, देन अपना टिंट अप्लाई कर लिया लिप्स पर और चीक्स पर, तो वो इनफ होता है। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ पर ये है, आप लोगों को मोटिवेट करने का कि अपने स्किन केयर पर आप जो है पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, अपनी स्किन को अच्छा करो, ताकि महंगे महंगे फाउंडेशंस, बीबी क्रीम, इन सब से आपकी जान छूट सके। और बस इस लेक्चर का मकसद यही था। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूँगी स्किन केयर कोरियन के अमेजिंग होते हैं, कोई दूसरी बात ही नहीं आती, कोई सेकेंड थाट ही नहीं आता उनके प्रोडक्ट परचेज करने में। तो मैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती हूँ जब कोरियन प्रोडक्ट की बात आती है, क्योंकि मुझे पता
फायदा जो ये क्लेम करते हैं उस पर पूरा 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 उतरते हैं। इससे पहले आपने वीडियो भी अगर नहीं देखी तो जाकर आप देखिएगा, जो भी वायरल कोरियन सिरम है नियासिनामाइड प्लस ट्रांसक्रमिक एसिड एंड एल्फोर्बोटिन, वो भी 3 सीरम्स का एक सीरम काम कर रहा है, तो मतलब 3 सीरम्स के पैसे बचा रहा है। अब बात करें हम सेंटेला की कि ये कैसा है, ये एक एंटी एजिंग है, उसके अलावा आज जब इसको फेस पर लगाते हो तो आपकी स्किन के जो बैरियर है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अक्सर लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है स्टेरॉइड की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक्ने उनको निकलते रहते हैं, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, तो स्किन का बैरियर उनका कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका होता है, या कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो कुछ भी अप्लाई करें तो उनकी स्किन जो है वो ओवर रिएक्ट करती है या कुछ अजीब सी हो जाती है। ये अमेजिंग है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये सूदिंग इफेक्ट आपको देता है, उसके अलावा किसी भी स्किन टाइप के लिए ये अमेजिंग है। आपके स्किन बैरियर को जो है ये रिपेयर करता है, आपकी डैमेज स्किन उसको रिपेयर करता है, सूदिंग सा आपको काम सा एक अच्छा सा आपको फील होता है उसको लगाने के बाद। ये ऑयल कंसिस्टेंसी का आपको लग रहा है, लेकिन ये इतना ऐसा है कि लगाते के साथ ही ना एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑयल लगा लिया है फेस पर। लगता है ये ऑयल की तरह है लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं, जब आप फेस पर उसको लगाते हो बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी की तरह से ही आप अप्लाई करोगे, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं मुझे इसके क्या रिजल्ट मिले, तो देखिए मैंने सिर्फ इतना सा इसको यूज़ किया है और वाइटनिंग ब्राइटनिंग और डार्क स्पॉट्स मतलब वाइटनिंग ब्राइटनिंग मिली है सिर्फ एक हफ्ता यूज़ के बाद। अभी तो मुझे क्या टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, देखिए जो क्वांटिटी वो भी काफ़ी कम यूज़ होती है इसकी, ठीक है। तो वाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लो ये तो देखने वाला होता है सच में, अगर आप जिनके साथ रह भी रहे हो ना मतलब फैमिली मेम्बर्स, वो भी आपको जो है पूछेंगे कि क्या लगा रहे हो आजकल, क्या स्किन केयर प्रोडक्ट चेंज किया है, कौन सा न्यू यूज़ कर रहे हो, क्योंकि स्किन काफ़ी अच्छी बिहेव कर रही है, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने के मिलते हैं। सब की बात करेंगे टोटली कॉरियन स्किन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अभी हम सेंटेला की बात करें तो उससे वाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लो आपको मिलेगा। ग्लास स्किन की बात करते हैं सब, इसके बाद आपको ग्लास स्किन डेफिनेटली मिलने वाली है। उसके अलावा डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन पे भी वर्क करते हैं, पिगमेंटेशन की देखिए एक अलग इशू है, पिगमेंटेशन के लिए पूरा आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसमें मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि आप घर में ही रह के पिगमेंटेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। डार्क स्पॉट्स की रही बात तो डार्क स्पॉट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और स्किन आपकी इतनी अभी आप देख सकते हो मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने यही अप्लाई किया हुआ है और कोई मेकअप नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ना, तो इससे इसके यूज़ के बाद आपको एकदम आपकी स्किन एकदम क्लीन क्लियर आपको फील होगा, जिस तरह से हम फेशियल करवा के आते तो आपको लगता है ना आपकी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर लग रही है, तो इसके यूज़ के बाद आपको जब आप जब भी उठोगे सुबह मुंह मतलब फील होगा मिरर में देखने के बाद कि मुझे नीड है मुंह धोने की या नहीं है, मतलब मैं आपको एक थॉट बता रही हूँ, ऐसा आएगा कि लगेगा मिरर में देख के कि आपकी स्किन तो ऑलरेडी इतनी क्लीन हो रही है, उसको ज़रूरत ही नहीं अपने फेस को वॉश करने की, मतलब इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आप ही हमें नहीं मिलता ओरिजिनल प्रोडक्ट, तो जहाँ से मैंने परचेज़ किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, ठीक है। और ये स्किन 1004 के नाम से भी काफ़ी फेमस है इनके ये प्रोडक्ट्स जो हैं, और अमेजिंग है अमेजिंग। जो आजकल जो मेरे दो फेवरेट जो सीरम्स जा रहे हैं ना, जिनको मैं हर स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ जो है यूज़ कर पा रही हूँ, तो वो ये दोनों ही हैं, ये सेंटेला है और ये आपको मैंने बताया था नियासिनामाइड प्लस ट्रांसक्रमिक एसिड। तो ये जो है मैं अपना मेरे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी मैं उनको यूज़ कर रही हूँ, अपना ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी हो गया, तो ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर एक के साथ आराम से चले जाते हैं, मतलब आप यूज़ कर सकते हो दोनों को। तो आप देख सकते हो ये क्वांटिटी भी काफ़ी कम यूज़ होती है और रिजल्ट जो है इसके ऐसे यूज़ होते हैं कि आपने 5-6 बॉटल यूज़ कर लिए उस तरह के रिजल्ट आपको देखने में नज़र आते हैं। तो सेंटेला के बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे हैं इसके बेनिफिट्स और इसमें भी लिखे हैं डेली केयर एम्पियोल कामिंग एंड हाइड्रेटिंग, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, जैसे कि मैंने बताया जब स्किन हाइड्रेट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लोई और ग्लासी स्किन नज़र आती है, तो ये अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और सनस्क्रीन तो मस्ट यूज़ करनी है, उसको तो मैं कह ही नहीं सकती आपको कि ना लगाएं, सनस्क्रीन तो यूज़ करनी ही करनी है, आपको स्किन केयर फॉलो करते हो नहीं करते हो सनस्क्रीन तो फॉलो करनी ही करनी है। इंग्रीडियंट्स की अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ सेंटेला एस्टेटिक एक्सट्रैक्ट से मतलब प्योर सेंटेला ही 100%, ठीक है, और कोई इसमें इंग्रीडियंट नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक। और प्योरीफाइंग द स्किन, इरीटेशन नॉन कोमेडोजेनिक टेस्टेड, अच्छा जी स्किन इरीटेशन टेस्टेड,
मतलब ये अमेजिंग है। ठीक, ये देखो ये मेरा ये चढ़ गया ऊपर, उसको मौका चाहिए होता है। ये देखो क्या हो गया, देखो आप नजर आ रहे हो। तो चलो ओलिव नीचे आओ, ओलिव नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा रिव्यू। और मैं क्या रिव्यू कर सकती हूँ इनका, कि जो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना यार, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं होते सच में। बस आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके इसको परचेस कर लो, फिर आपका किसी और स्किन केयर प्रोडक्ट की तरफ जाने का दिल ही नहीं चाहेगा, अगर आपको कोरियन स्किन केयर की लत लग गई ना। वैसे मैंने भी एक बोला था कि मैं सीरीज़ एक मतलब बनाऊंगी कि मेरे पास जितने भी कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ यूज़ करके किसान से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है मैं उन पर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने द फेस शॉप की थी, इसके बाद इंशाल्लाह एक और प्रोडक्ट है उसके मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही थी और अभी भी मेरे पास हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। तो खैर ये था सेंटेला के बारे में, इसके बेनिफिट्स और मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले वो सब मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो पता क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।